I am Mohammad Ali Abbas, electrical engineer and representative of King's Group of Construction Company in Pakistan. इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने प्रोजेक्ट एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स टावर पर. हमारे ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स टावर का टावर नंबर 12 है और इस वक्त टावर नंबर 12 की मैं टिपिकल फर्स्ट फ्लोर के रूफ के ऊपर हूँ. अब ये हमने ये स्लैब पोर करना है. इस वक्त जितनी भी हमारी यहाँ पर एक्टिविटी चल रही है, ये अभी हमारे यहाँ पे टीवी हमारे इलेक्ट्रिकल कंड्यूट की एक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है. इस वक्त मैं अभी जो काम हो गया है, मैं इसकी अभी इंस्पेक्शन के लिए आया हूँ और मैं अपने तमाम दोस्तों और साथियों को मैं यहाँ की थोड़ा सा इंस्पेक्शन कराता हूँ कि हम लोग स्टील कंड्यूट की किस तरीके से इंस्पेक्शन करते हैं और इसमें किस तरीके से हम लोग एरर्स जो होते हैं इसके अंदर जो भी इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करके उसके बाद उस काम को प्रॉपर तरीके से कराते हैं. अगर हमारे साथी हमें दिखा सकें, ये हमारे पास जो है ये एक इलेक्ट्रिकल हमारे फायर अलार्मिंग का पॉइंट है यहाँ पर इस वक्त. और ये हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई है कि हम लोग छत के ऊपर जो है यहाँ पे पीवीसी में बैंड यूज़ नहीं करते. यहाँ पर जो हमारे जो यहाँ पे काम करने वाले जो स्टाफ है, जो हमारे कॉन्ट्रेक्टर्स हैं, जो यहाँ पर हमारे टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं, उन लोगों ने हमारे यहाँ के जो इलेक्ट्रिकल के SOPs हैं उसको वायलेट किया है और ये यहाँ पर हमारे छत के ऊपर इन लोगों ने बैंड यूज़ किया है. और यहाँ पर सेकेंडली कंप्लेंट ये है कि अगर एक तो बैंड यूज़ किया है, सेकेंडली ये कि इसके ऊपर सोल्यूशन नहीं लगाया है. जिस वक्त हमारा इस ये स्लैब पोर होगा तो ये हमारी कंक्रीट से चौक हो जाएगा और इस काम के अंदर एक प्रॉब्लम आ जाएगी. इसी तरीके से हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमने नोट की. हमारे अभी अपने साथियों ने सब तमाम इसका साइड का अपने विजिट किया है, इंस्पेक्शन किया है और अभी हमारी इसके ऊपर वर्किंग चल रही है. अब ये फाइनलाइज नहीं हो सकता है. जगह के ऊपर आए हम यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये यहाँ पर हमारे ये इसमें एंड कैप्स चलाते हैं इसको. ये एंड कैप्स ये हमारे जो ये लाइट बॉक्सेस लगे हुए हैं, लाइटर बॉक्सेस लगे हुए हैं, जंक्शन बॉक्सेस कहते हैं इनको यहाँ पे मुख्तलिफ इसके नाम से इनको पहचाना जाता है. तो इसमें हमारे एंड कैप्स जो है इसके अंदर सोल्यूशन ना लगने की वजह से जो है ये निकल गए. इसको अभी हमने इसको सामने से हमने छोड़ देना है. इसमें हमने प्रॉपर तरीके से इसको सोल्यूशन लगाने के बाद जो है हम इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सील करेंगे ताकि एट द टाइम ऑफ पोरिंग जो है इसमें किसी किस्म की भी ब्लॉकेज नहीं हो. इसी तरीके से अभी हमने मदीद साइड का विज़िट करना है. हमारे साथ यहाँ पर जो है हमारे दूसरे सिविल के इंजीनियर हैं काशान फरीदी साहब और हमारे यहाँ पर एक और इंजीनियर हमारे साथ हैं जो कि अभी हमारे जो है इसको हमारे कैमरामैन भी इस वक्त बने हुए हैं, हमारे हमजा भाई. तो अभी हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं. हमारा ये जॉइंट सर्वे हो रहा है यहाँ पर और ये अभी ट्रेनिंग इंजीनियर है हमारे पास और इंशाल्लाह इसके हवाले से फर्दर किसी किस्म की भी हमारे प्रोजेक्ट के हवाले से, ख़ास करके टावर नंबर 12 के हवाले से किसी किस्म की भी अपडेट होगी तो हम अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे. और इसके साथ हम अपने दोस्तों को ज़रूर एक मैसेज भी देंगे कि हमने यूट्यूब पर अपना चैनल लॉन्च किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कमांडर यूनाइटेड नेशन के नाम से. हमारे प्रोजेक्ट के हवाले से और हमारी इलेक्ट्रिकल के इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो है उसमें बड़ी हम लोगों ने उसके अंदर मटेरियल जो है हमने अपने दोस्तों के साथ जो है टैक्टिक शेयर किए हैं उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें. और सेकेंड ये कि हमारे फेसबुक पेज के ऊपर पे भी आप हमें जो है ज्वाइन करें. उसके ऊपर हमारा फेसबुक का एड्रेस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग @EEE110. आप हमारे पेज को भी ज्वाइन करें. इंशाल्लाह आपको उसमें जो है काम सीखने के हवाले से और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के हवाले से काफ़ी जो है उसमें जो है आपको ऐसा मवाद मिलेगा जिससे आप जो है इंशाल्लाह हम अपने काम को इम्प्रूव कर सकते हैं और इम्प्लीमेंटेशन को किस तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करना है उसमें तमाम जो है ये सारी चीज़ें हमारी जो है हमने अपने दोस्तों के साथ शेयर की हैं. अपने दोस्त मोहम्मद अली अब्बास को दीजिए इजाज़त. सी यू अगेन.